आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा कंबाइंड एनसीईआरटी का कोर्स आपको बता दूं कि जो हमारे एनसीईआरटी हैं उन सब पे 25% ऑफ है। हमने सेल निकाली है, क्यों? क्योंकि हम पॉलिटिकल लाइव कोर्स ला रहे हैं। सारी एनसीईआरटीज का लाइव कोर्स आ रहा है दोस्तों, तो एक हफ्ते बाद दाम बढ़ जाएंगे। फटाक से अवेल करें दोस्तों, आपको कूपन कोड एनसीईआरटी यूज़ करना है, इसको जाने ना दें। देखिए, अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की एक रिपोर्ट आई है, इसमें दो चीज़ों पे बात की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना, चाइना की इसमें क्या बात की गई है। देखिए, चाइना के बारे में ये बोला है कि स्थिति तनावपूर्ण है। अभी तक 15 बार बातचीत का दौर चल चुका है 2020 से लेकर 2020 क्या वैसे तो डोकलाम इशू 2017 से जाता है, लेकिन 2020 में पंगोंग सो में जो झड़प हुई और उसके बाद फिर फिंगर 9 फिंगर 8 वाला, मतलब फिंगर 4 फिंगर 5, वो पूरा जो विवाद रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए, रिजॉल्व तो कहीं ना कहीं हुआ, क्योंकि गलवान घाटी पे जो कैजुअलिटी हुई, जो भारत ने मारा चाइनीज को और उसके बाद फिर उधर से भी हुआ कार्रवाई, भाई हमला, हमारे जवान भी वीरगति को प्राप्त हुए, तो अब उससे क्या हुआ ना, टेंशन ईज ऑफ हुई है, दोनों सेना पीछे हटी है। लेकिन इस रिपोर्ट में यह बोला गया है कि स्थिति तनावपूर्ण है और यह बनी रहेगी, जो कि अमेरिका और बाकी देशों के लिए, हित के लिए उनके अच्छा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि तनावपूर्ण स्थिति, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर नेशंस हैं, और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बॉर्डर बिल्डअप हो रहा है, चाइना ने अपने सारे के सारे एडवांस वेपन्स वहां पर तैनात कर दिए हैं, भारत भी पीछे नहीं है, लगातार गतिविधियां कर रहा है और भारत भी चाइना के जवाब में वहां पे अपनी सेना को तैनात कर रहा है। तो अभी अगर बात करें तो अच्छा खासा बल जो है, सैन्य बल बॉर्डर पे तैनात है, होगा भी, क्योंकि चाइना को जो पिटाई लगी है उसको ये पता चल गया है कि भाई देखो, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो टरेन है ये बड़ा मुश्किल है, टैंक वैंक जा नहीं सकते, तो इसीलिए हमको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अब देखिए, भारत जो है, भारत भी बहुत ज़्यादा सतर्क है, तो अब संबंध की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं कि इसी बीच खबर आई कि शी जिनपिंग जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। देखिए, चाइना की हालत इस समय बहुत ख़राब है। एक तरफ से उनकी जीरो कोविड पॉलिसी, इनकी जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से पूरा का पूरा चाइना बंद हो गया है और लोगों में आक्रोश है, तो भारत की तरफ यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमिक फ्रंट के लिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, थोड़ा बुरा समय आने वाला है भारत के लिए। यस, इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो देखिए, रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ने वाली है, ये समझिए आप, तो सोच समझ के खर्चा करें। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चाइना जो है बाकी देशों में जा नहीं पा रहा है, तो अब हमारे पास इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है कि भारत बाकी जो देश है या बाकी जो कंपनीज हैं उनके लिए कुछ स्कीम्स निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, जितनी जल्दी कर देगा उतना अच्छा है। दूसरी चीज़, लोगों का भी चाइना के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से इनको कैद किया गया है और जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया गया है, वो लोग नहीं छोड़ने वाले, लोग जो है ना वो पगला चुके हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए क्या बोला गया इस रिपोर्ट में, पाकिस्तान के लिए ये बोला गया है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि भाई देखिए, कभी भी सैन्य कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल आपने सही पहचाना, अगर पाकिस्तान कुछ भी गलत करेगा या कुछ भी करने से, मान लीजिए कि उसने कोई आतंकी हमला करवा दिया, तो भारत तुरंत सैन्य कार्रवाई कर देगा। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल अभी इस वक्त अच्छे नहीं हैं, हालांकि थोड़े बहुत सुधर रहे हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अभी जैसे जो सीज फायर हुआ है, जो LOC पे सीज फायर हुआ है, बट उस वो इस वजह से हुआ ना, क्योंकि भारत ने बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की। तो भारत और पाकिस्तान के भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। इमरान खान जब तक प्रधानमंत्री थे तब तक तो भारत के लिए बड़ा जहर उगलते थे, अब जब प्रधानमंत्री नहीं है तो वही भारत इनका दोस्त हो गया है, बार बार भारत से मदद की गुहार मांग रहे हैं, बार बार भारत को बहुत बढ़िया कह रहे हैं, वो तो खैर सब पॉलिटिक्स है। और इधर जो भैया उनके नए प्रधानमंत्री हैं, उनका तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। देखिए, भारत के पड़ोसी बर्बाद हो गए हैं, श्रीलंका बर्बाद हो गया है, नेपाल में भी इकोनॉमिक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है। ये तो अच्छी बात है कि नेपाल की जो करेंसी है, रुपया है, वो भारत के करेंसी से लिंक है, तो अगर भारत नीचे जाएगा तभी नेपाल नीचे जाएगा, श्रीलंका के साथ ऐसा था नहीं। अब इधर पाकिस्तान भी बर्बाद हो गया है, तो आप समझिए कि भारत के पड़ोसी बर्बाद हैं, और इन तीनों में कॉमन बात यह है कि तीनों को ही चाइना सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी कार्रवाई होती है या पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करता है, तो डेफिनेटली इंडिया जो है वो सैन्य कार्रवाई करेगा, और ये बहुत जल्दी हो सकती है।
अब पीओके की बात करें, ठीक है, जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पूरा कश्मीर ही हमारा है। तो अक्सर मैंने मतलब पिछला एक लेक्चर लिया था कि विदाउट मिलिट्री ऑपरेशन भी हम पीओके को अपने पास ला सकते हैं, कितना डेवलपमेंट होगा, और डेफिनेटली एक ना एक टाइम पे पीओके आएगा। सैन्य कार्रवाई की बात करें दोस्तों, तो फिर कोई टिक ही नहीं सकता, फिर तो वो 3-4 दिन की बात है। तो ये छोटी सी रिपोर्ट थी जो मैंने आपके सामने रखी, आई होप आपको पसंद लेक्चर आया होगा। उसको भाई शेयर करो और तुम सब्सक्राइब भी करते हो, फटाक से सब्सक्राइब करो। अच्छा, इंस्टा को संडे को मैं लाइव आ रहा हूँ, ठीक है, टी शर्ट गिव अवे है, तो रिमाइंडर सेट कर लो, इंस्टा प्रोफाइल को मेरी फॉलो कर लो। तो इसमें क्या करता हूँ ना, मैं इंटरेक्ट करता हूँ, लाइव इंटरेक्ट करता हूँ आप लोगों से। और उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू किए भाई, अभी ग्लाइडिएटर्स पे डॉक्यूमेंट्री आई है, सिद्धार्थ सर ने उसको कवर किया है, तो फटाक से उसको देखिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।